जहर निकाला हुआ है नौ देखो जय करो जय करो बोल बम नौ जय करो जल्दी जय करो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बोल नवु बम राजा बम सकु बम बोल बम नवु पूजा करने जा रही है अभी 12 बजने वाले होंगे पर नवु अभी तक कुछ नहीं खाई है और बार बार बोल रही है चिप्स खाना है चिप्स बस हो गया नवु छोड़ दो हर हर महादेव मोबाइल पे ले लीजिए ना पैसा कैश का बड़ा प्रॉब्लम है टेम्पुआ पकड़ो टेम्पू से चलते हैं वहाँ तक राजा चश्मा चश्मा लगा के तैयार हो गए तुम भी लगा ले चश्मा चश्मा तो अच्छा देखिए अच्छा लग रहा है गाइस हम नहा धो के निकल पड़े हैं जल्दी चलो गोदी ले लो गोदी यहाँ हमारा टोटो है जल्दी चलिए राजा हर हर महादेव बोल बम बढ़िया से बोल बम 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 अच्छा उधर अरे अच्छा है उधर बहुत सुंदर है बेटा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम हमको सिखाती है ऐसे ऐसे बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है बोल बम बोल बम बोल बम ये जगह का नाम है बोल बम 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 आइसक्रीम पे अब आ गई सीधे आइसक्रीम पे अब आ गई तुम बोल बम करते करते पूजा करके पूजा करने के बाद ना आइसक्रीम अभी आइसक्रीम नहीं ओके पूजा करके ओके बाबा एक सहारा है बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बोल बम बोल बम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव
बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। गाइस ये देखिए हमारा डेस्टिनेशन है और यहाँ से हमें जल भरना है और आगे बढ़ना है जल भर के, तो इसे कहते हैं सुल्तानगंज और यहाँ से ही लोग जल भर के संकल्प करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और पहले हम कुछ खरीदेंगे डब्बा वगैरह जिसमें जल ये लोग देते हैं गंगा जल, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो गाइस बारिश आने लगी है थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। नवु बम राजा बम सकू बम बोल बम नवु पूजा करने जा रही है। अभी 12 बजने वाले होंगे पर नवु अभी तक कुछ नहीं खाई है और बार बार बोल रही है चिप्स खाना है चिप्स, अभी पूजा करके खाएगी नवु, है ना नवु बम। तो गाइज ये है डाक बम। डाक बम के लोग दौड़ते दौड़ते अपनी यात्रा पूरी करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ नवु को भूख लग गई थी तो मैं उसे खिला रही हूँ और हम लोग फास्ट पे थे, जब तक जल नहीं उठा लेते हम लोग नहीं खाते। बोलबम बोलबम हम आ गए हैं गंगा नदी। सो गाइस हम आ गए हैं गंगा नदी। पुल बन रहा है देखो गंगा नदी पे, कितना बड़ा पुल, क्रूज भी लगा हुआ है सामने। ममू बम ममू तुम लोग कहीं बैठ जाओ। गाइस बच्चा लेके कहीं जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे भी नवु ने पॉटी कर दिया था, फिर हमने धोया और फिर उसको छपाक छपाक पानी में भी जाना था, तो यहाँ बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खेल कूद के ऊपर ऊपर वो वापस आ गई। और यहाँ देखिए बाबा जी हमें संकल्प करा रहे हो और यहाँ मैं उनका पाँव छू रही हूँ, तो फाइनली हमारा संकल्प हो गया। बोल बम नवु देखो जय करो बोल बम नवु जय करो जल्दी जय करो। बोल बम जहर निकाला हुआ है मेरा ये जल हो गया है रेडी और हम अब जा रहे हैं आगे की ओर। हमारा जल का संकल्प यहाँ से हो गया है और बस हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। काफ़ी भूख लगी है जोड़ों की बट यहाँ कुछ फ्रेश अच्छा मिल नहीं रहा है, थोड़ा गंदगी है इधर और लोग नंगे पांव चल रहे हैं। यहाँ मुंडन भी होता है बच्चों का, है ना।
कहाँ जा रही है? रुको, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो ना। वो बोल बाप, बोल बाप, बोल बाप ना, वो बोल। गाइस, एक दो बज ही गया था और हमें बहुत जोर की भूख लगी थी और हम वेट कर रहे थे कहीं तो हम अच्छे जगह उतरे और खाना खाएं, बट यहाँ अच्छा खाना कहीं नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे पेट भरने के लिए लोग खा रहे थे, फिर से पॉटी कर दी। देखो ये लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। धाम चल रिकवरिया शिव के धाम, चल रिकवरिया शिव के धाम। ये सारा चौकी का व्यवस्था है ताकि रात बिरात जितने भी कांवड़िया आए वो लोग सो जाएं। फ्री की सुविधा है, जल हर जगह चल रहा है, बह रहा है जल, ताकि कांवरिया लोग पानी पीते हुए जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो वाइट कपड़े में हैं, और जो वाइट कपड़े में हैं उनके पीछे लिखा हुआ डाक बम, यानी कि वो लोग को डाकते हुए जाना है, मतलब दौड़ते हुए जाना है। तो आप मोस्टली देखेंगे कि जो लोग भी वाइट कपड़े पहने वो लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। ये लोग अपना अपना चिट्ठी लेके जा रहा भगवान के पास, ताकि वो लोग जो विश मांगे वो लोग भगवान पूरी कर दे उनके सारे विश। इसलिए ये लोग डाकिया से हुआ डाक, सो डाकिया से आया है ये डाक, मतलब ये लोग अपना अर्जी लेके भगवान के पास जा रहे हैं। सो पहले हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सो पहले बाबा बैद्यनाथ हाई कोर्ट, वासुकीनाथ हो गए सुप्रीम कोर्ट। ये लोग स्टे कर रहे हैं और रास्ते में खाना भी बना रहे हैं। सो गाइस, ये लोग जो हैं, जो रियल में अच्छे से मतलब पूजा करना चाह रहे हैं, वो लोग रास्ते का कुछ खा भी नहीं रहे। मैंने देखा कि आग जला के अपना रास्ते में ही बना ले रहे हैं। और पग पग पे यहाँ पानी की सुविधा, पग पग पे यहाँ चौकी लगा हुआ है, ताकि जितने भी कांवड़ यात्री आए वो लोग आराम विश्राम करते हुए आगे की ओर बढ़े। और ये सारी मुफ्त सेवा है, इतनी सारी मुफ्त सेवा है, देखिए आप उधर देख सकते हैं। छोटा बम, छोटा बम, छोटा बम, इधर इधर करो, उधर करो, ओके। यू ही चला चल रही, यू ही चला चल रही जीवन गाड़ी, ऐसा मैं पहिया। देखो ये खाना बना रहे हैं ये लोग, देखो आराम से सोते जा रहे हैं ये लोग। हट भी बना लिया सब लोगों ने अपने लिए, टेंट गाड़ गाड़ के, टेंट हाउस। जय हो, जय हो। तो कई बार होता है कि गांव के ढेर सारे लोग ग्रुप में आते हैं और देखिए कहीं भी दरी बिछा के बैठ जाते हैं और अपना अपना खाना बना लेते हैं, बात करते चलते हैं और कहीं भी दरी बिछा के सो भी जाते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। मोस्टली मैंने ये कार देखी ऐसी, मतलब ये गाड़ी जिसमें दो लेयर कर लिया था इन्होंने और सारे यात्री सोते हुए आराम से जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। रास्ते में हमने खाया गोलगप्पा और मज़े की बात यह है कि वहाँ कुछ भी मिल रहा था तो किसी चीज़ में भी लहसुन प्याज नहीं था, तो कांवड़ यात्री भी गोलगप्पा खा रहे थे और हम भी खा लिए, हमारा बहुत मन किया खाने का। और ऐसे ही हमारा पहुँचते पहुँचते रात हो गया, क्योंकि इतना जाम था, इतना जाम था। और क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा मंडे था, तो मोस्टली सबको चाहिए होता है कि मंडे को वो लोग जल चढ़ाएं, तो इस वजह से पुलिस हर गाड़ी को रोक दे रहे थे। और 3 घंटे
जाने में हमें टाइम लगना था, पर 12 घंटे से हम वेट कर रहे थे। और रास्ते में हमने देखा कि लोग रास्ते में ही रोड पे, खेत में, जंगल में, कहीं भी बिछा बिछा के सो जा रहे हैं। और हम भी काफ़ी परेशान थे, बच्चे को लेके इधर उधर घूम रहे थे और काफ़ी भूख लग गई थी। तो रास्ते में हमेशा दाल चावल और सब्ज़ी मिल रहा था हर जगह, बट फाइनली एक जगह ऐसा आया जहाँ हमें रोटी मिली, तो फिर हमने रोटी खाया। गाइज, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, बट जो श्रद्धालु हैं और जिनको इंटरेस्ट है सच में पूजा पाठ में, वो तो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, मुझे पता है।